अरविंद केजरीवाल जी को जमानत कोर्ट ने जरूर दी है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के काम करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। तो ये सशर्त जमानत है और इस जमानत का अर्थ ये कदापि नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप खत्म हो गए हैं। केस अभी चलता रहेगा और कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक अब अरविंद केजरीवाल अभियुक्त बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का भ्रम फैला रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। आज कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत है, तो केवल बेल है, चार्जेस से बरी नहीं हुए हैं। इस बात को समझना होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग जो प्रधानमंत्री ने छेड़ी है वो लगातार जारी रहेगी और जिन्होंने भी घोटाले किए हैं उनको उसकी सजा कोर्ट अवश्य देगा, ऐसा हमारा मानना है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।